हेलो फ्रेंड्स, हम इस हैंगमैन की वीडियो सीरीज़ में इमेजेस को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो बेसिकली इमेजेस तब डिस्प्ले होंगी जब यूज़र कोई गलत इनपुट डालेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इमेजेस डॉट पी वाई एक फ़ाइल है जिसमें इमेजेस नाम की एक लिस्ट है जिसमें कुछ इमेजेस डिस्प्ले की हुई है। तो इसको हमें प्रिंट करवाना है जब भी यूज़र गलत इनपुट डालेगा। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं इमेज एक एक पोल है जिसमें एक रस्सी बंधी हुई है। फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आते आते हैंगमैन कंप्लीट हो जाता है, मतलब इंसान को फांसी लग जाती है। तो इस कोड को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने कोड में इमेजेस को प्रिंट करवाते हैं। पहले हम इस कोड को चला के देखते हैं एक बार टर्मिनल पे कैसा आउटपुट आ रहा है। हमने अपनी फाइल को रन करवाया है और रन कराते ही वेलकम टू द गेम हैंगमैन आई एम थिंकिंग अबाउट दैट इज़ 8 लेटर लॉन्ग प्रिंट हुआ है। अवेलेबल लेटर हमारे पास A to Z है और उसमें से हमें एक लेटर को गेस करना है। मान लीजिए मैं टी गेस करता हूँ। टी हमारे में मेरे इस वर्ड में नहीं है। तो उसने बताया ओप्स दैट लेटर इज़ नॉट इन माई वर्ड एंड रिमेनिंग लाइव 7 है। अब मेरे पास 7 लाइफ बची हुई है इस गेम को जीतने के लिए। तो इसमें कहीं भी मैंने गलत इनपुट डाला था बट इसमें कहीं भी हमारा इमेज प्रिंट नहीं हुआ है। तो हम इसको इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे। हमने इस फाइल में इमेजेस डॉट पी वाई को इम्पोर्ट किया है फ्रॉम इमेजेस इम्पोर्ट इमेजेस, मतलब इमेजेस डॉट पी वाई फाइल से इमेजेस को हमने इम्पोर्ट किया है। तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब प्रिंट इमेजेस इमेजेस कैप्स बड़े में था बिकॉज लिस्ट का नाम भी बड़े में था। सो इमेजेस को अब इंडेक्स दे देंगे 8 माइनस रिमेनिंग लाइव्स। इसका मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में हमने एक वेरिएबल लिया है रिमेनिंग लाइव्स 8, जिसका मतलब है स्टार्टिंग में उसके पास रिमेनिंग लाइव्स 8 बची रहेंगी। तो इमेजेस क्या प्रिंट होंगी 8 माइनस 8, मतलब इमेज का जीरो इंडेक्स। इमेज का जीरो इंडेक्स ये वाला इमेज है। अगर पहली बार यूज़र गलत इनपुट डालेगा तो हमारी ये इमेज डिस्प्ले होगी। तो चलिए इसको रन करवा के समझते हैं। तो हमने इस फाइल को एग्जीक्यूट किया है और उसने प्रिंट किया वेलकम टू द गेम हैंगमैन आई एम थिंकिंग अबाउट दैट इज़ 8 लेटर लॉन्ग। और हमें अब इनपुट डालना है। तो मान लीजिए मैंने बी डाला। बी हमारे वर्ड में नहीं है इसलिए उसने इमेज का पहला इंडेक्स प्रिंट करा दिया। और अब फिर से उसने यूज़र से उसने इनपुट मांगा है। तो मैंने आर डाला, आर था हमारे लेटर में, मैंने आई डाला। और एक और इसमें फ़र्क देखिए, इसमें सिर्फ रस्सी थी, इसमें इंसान का हेड आ गया है। तो ये हमारा इमेज का दूसरा इंडेक्स प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से मैं जितने भी गलत इनपुट डालूँगा उतनी इमेजेस प्रिंट होती रहेंगी। आखिर में हमारे पास जीरो लाइव्स बचती हैं और हमारा हैंगमैन हमारा मैन जो है वो हैंग हो जाता है और गेम एंड हो जाता है। बट उसने बताया यहाँ पे सॉरी यू लूज द गेम वॉज द वर्ड वॉज नवगुरुकुल, मतलब जो कंप्यूटर सोच रहा था वर्ड वो नवगुरुकुल था। तो हमने इस वीडियो में इमेजेस को इम्प्लीमेंट करना सीख लिया है। थैंक यू।